लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में एक हादसे में भारतीय सेना के 26 जवानों से भरी बस नदी में गिर गई। इस हादसे में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई और कई जवान घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया था, उन्हें अस्पताल में एडमिट भी करवाया गया है, लेकिन हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और कई को गहरी चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब 26 जवान परतापुर में ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ की ओर बढ़ रहे थे। खबर है कि सुबह करीब 9 बजे थोई से लगभग 25 किलोमीटर दूर वाहन सड़क से अचानक फिसल गया और श्योक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में जा गिरा। इस हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों का इलाज किया जा रहा है। सभी घायलों को परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल में पहुंचाया गया और ले से सर्जिकल टीमों को परतापुर भेजा गया है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूं, जिसमें हमने अपने वीर जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। आपको बता दें कि इस हादसे के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।